गुड मॉर्निंग। तो आज मैं 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। हाँ, तो आज मैंने अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, तो अभी कुछ 9:20 हो रहे हैं, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, वरना मैं उठने वालों में से हूँ नहीं। और ना कल कल मैं इतनी लेट सोई ना, और इतनी गंदी नींद आई, मतलब हर 2 घंटे में उठ रही हूँ, और मतलब नहीं, बहुत गंदी नींद आई, पता नहीं क्यों। तो पर अब सो भी नहीं सकते वापस, क्योंकि फिर नहाना धोना लेट हो जाएगा। तो अब मैंने नहा लिया, जैसा कि आप नहीं देख सकते क्योंकि मैंने नहा के सेम कपड़े पहन लिए। क्यों पहन लिए? क्योंकि मैं ना अभी मिनिमम मिनिमम 1 घंटा लगेगा मुझे डिसाइड करने में कि क्या पहने आज, और फिर लास्ट में तो क्या डायलॉग आएगा मेरा। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैंने जाना ही नहीं है, मतलब ये तो फिक्स पैटर्न हो गया मेरी लाइफ का, मतलब सही में यार। और जो मेरी अलमारी है, हाय तौबा तौबा, उसमें से अगर आप कपड़े ऐसे निकालना चाहोगे ना, तो आपको अपने छुपे हुए आंसर शीट्स कुछ भी मिल सकता है उसमें से, मेरे अच्छे कॉम्बिनेशन वाले कपड़ों के अलावा। और जो मैंने से मन में, अगर सपोज मैं नहाते हुए सोच रही हूँ कि यार इसके साथ ना ये बढ़िया लगेगा, वो तो कभी बढ़िया नहीं लगेगा। मैं अभी पेपर पे साइन करके दे सकती हूँ कि वो कभी बढ़िया नहीं लगेगा। बहुत स्ट्रगल है, सच्ची है, ये रियल है, मतलब रियल नहीं है पर है, ठीक है। यार, अब मैं अपनी तरफ से ना फनी ट्वीट कर रही हूँ। अब तुम हंसे नहीं ना तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे को नहाते हुए आया ये थॉट, तो प्लीज रिस्पेक्ट इट। ही हो गया। ओपन ते छड़ दवे मैसेज, तू मेरे जज्बात आए पे कर देना गौर ने, अज तक ऊंची नीवी किसी दी ना सुनी, गला तेरे अगे चलदा ना जोर नी, नैणा दे नेड़े वे दिल दे बनेरे वे बैठी रवे यारा सारी उम्र। अभी हो रहे हैं 1:30, और पहली बार मैं चंडीगढ़ लेके जाऊंगी आज कार, और तैयार हो गई। तो ये जो शूज मैंने पहने हैं ना, इतने लंबे हैं, मुझे नहीं पता चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब चल जानी चाहिए, मतलब चलानी पड़ेगी, ठोकनी थोड़ी है पर हाँ। और इस टाइम पे कार इतनी ज्यादा तप रही है, इतनी ज्यादा तप रही है, मतलब मैंने ना धूप में एक शॉट लिया था रील का, उससे ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, पता नहीं यार क्या गंदा मौसम है। और फन फैक्ट पता क्या है, कि मैं अकेले जा रही हूँ और मुझे रास्ते नहीं आते चंडीगढ़ में, तो पहली बार जा रही हूँ, मतलब वो ठीक है वो 26-7 जो भी है वो एक ही लाइन होती है, पर फिर भी मुझे रास्ते नहीं आते, वहां तक कैसे पहुंचना है, आई हैव नो क्लू, जीरो क्लू। हैप्पी बर्थडे। करो भाई सब्सक्राइब, कितने हुए, कितने सब्सक्राइबर कितने हुए, 150 हो गए तो कर दियो 150। अबे यार 48 करेगा आपको, कर कहां से करते हैं, कोई नहीं सकता अनसब्सक्राइब। इनएविटेबल हूँ मैं, इनएविटेबल को दिखा क्या होता है इन लोगों के साथ, मार इसको वीडियो। हाँ जी बोले भाई, एक मिनट किसी को देखता हूँ ना सब कर अच्छा। भाई 500 मिनट की लाइट है, तुम लिखी दो कितने सेकंड्स की है, बंदा वेट करते करते मर गया, गधे इरिटेटिंग। तो मैं सही सलामत जीती जागती घर पहुंच गई हूँ, तो मेरे को लगता है मैं कॉलेज भी लेके जा सकती हूँ, क्योंकि पहले मैं डर रही थी कि कॉलेज में तो भाई दोपहर को बहुत भीड़ होती है, कैसे करेंगे कैसे लेके जाएंगे, पर ऐसे लग रहा है कि ठीक है, मतलब आसान चीज़ है, आसान मतलब कि हाँ कर लेंगे, हॉर्न मार लेंगे, क्या हो गया, ऐसे ओके कैसे हो रहे हैं लोग हैं। मैं चला रही हूँ कार, ठीक है ना, रोड मेरे को तंग नहीं करना किसी ने, तो कॉलेज भी सेकेंड से खुल रहा है, तो वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि फुल ऑफलाइन है, तो मतलब फुल ऑफलाइन है, इसमें क्या समझाऊंगी। यस, अब देखते हैं क्या करूँगी। अभी तो पहले आराम करूँगी भाई, आराम, आई नीड रेस्ट। मैंने एक चीज़ तो देखी है कि अगर आपको कार आती है तो आप आलस के मारे कोई काम मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि आप जाने लायक हो, आप में क्षमता है।
तो वो करना पड़ता है। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और 7:30 हो रहे हैं, फिर उसके बाद आके मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि यार आप लोग शेयरिंग इज केयरिंग, सब्सक्राइबिंग इज वाइबिंग कुछ नहीं करते हैं, बात है वैसे ही बहुत ज़्यादा। चलो बाय।